तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि मेट बिक्री पर आप मंथली जीएसटी कैसे फाइल कर सकते हैं। शुरू करें इससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने अपने मेट बिक्री के केवाईसी में जीएसटी वेरीफाई किया हुआ है तभी आप मेट बिक्री के जीएसटी फीचर का लाभ ले पाएंगे। तो आइए बात करते हैं जीएसटी फीचर की। इसके लिए हम मेट बिक्री के होम स्क्रीन पर जाएंगे। अगर आप मेट बिक्री ऐप यूज करते हैं तो सबसे पहले अपना ऐप अपडेट कर लीजिए और फिर होम स्क्रीन पर आपको फाइल जीएसटी का बटन दिख जाएगा। क्लिक करते ही आपको कुछ इस प्रकार का पेज दिखेगा। यहाँ सबसे पहले हम जीएसटी का पैकेज परचेज करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं रेगुलर और कॉम्पोजिशन दोनों के पैकेजेस अवेलेबल है। रेगुलर यानी मंथली फाइलिंग और कॉम्पोजिशन मतलब क्वार्टरली फाइलिंग ऑप्शंस। यहाँ हम मंथली जीएसटी यानी रेगुलर वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है रेगुलर मंथली, यानी आप जो GSTR 1 और GSTR 3B फाइल करते हैं ये वो है। इसको आप हर महीने परचेज करके अपना मंथली जीएसटी फाइल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ईयरली फाइलिंग यानी GSTR 9, यानी आप जो पूरे फाइनेंशियल ईयर का जीएसटी फाइल करते हैं ये वो ऑप्शन है। और तीसरा है रेगुलर मंथली एंड फाइनेंशियल ईयर एंड जीएसटी, ये दोनों का कॉम्बो पैकेज है। यानी आप इस पैकेज में हर महीने अपना रेगुलर मंथली जीएसटी फाइल कर पाएंगे और साल के आखिर में फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में आप जीएसटी फाइल कर पाएंगे। और ये पैकेज आपको काफी डिस्काउंटेड रेट पर मिलेगा और बहुत कम चार्जेस पर आप अपना जीएसटी फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ हम पहला वाला ऑप्शन जो कि है रेगुलर मंथली, इसे परचेज कर लेते हैं। यहाँ आपको अपना नंबर और ईमेल एड्रेस डालना होगा और आगे UPI द्वारा आप इसका भुगतान कर सकते हैं। पेमेंट सफल होते ही हम जीएसटी फाइलिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ अगले स्टेप में आपको अपना जीएसटी पोर्टल लॉगिन डिटेल्स शेयर करना है। बस यहाँ एक बार डिटेल्स डाल दीजिए, हर महीने आपको डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीएसटी डिटेल्स शेयर करने के बाद नीचे अगला स्टेप एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ हम पहले GSTR 1 फाइल करेंगे। तो यहाँ आप अपने सभी सेल की जानकारी देख सकते हैं। बस डाउनलोड बटन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको नीचे नंबर ऑफ इनवॉइसेस, जीएसटी अमाउंट वगैरह दिख जाएगा। आप चाहे तो आपकी डाउनलोड की हुई शीट में इनवॉइस नंबर के अनुसार सभी एंट्रीज देख सकते हैं और चाहे तो उसमें कुछ सेल डिलीट भी कर सकते हैं। अब अगर आपको कोई एंट्री एडिट करनी है तो आपको सेल सेक्शन जहाँ आपके रिकॉर्डेड सेल्स आपको दिखेंगे पहले उसमें एडिट करना होगा और फिर दोबारा यहाँ आकर शीट डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ हम एक इनवॉइस डिलीट करेंगे और इस शीट को सेव कर देते हैं। सो अब हमें शीट को दोबारा अपलोड करना है। ये हमने अपलोड कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ हमारा जीएसटी अमाउंट भी चेंज हो चुका है और बस वेरीफाई एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपको 24 से 48 घंटे वेट करना है। कुछ समय बाद दोबारा इस पेज पर आए और आपको ये GSTR 1 फाइलिंग के लिए ऑप्शन इनेबल दिखेगा और बस आपको फाइल नाउ बटन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ हमारा GSTR 1 फाइल कर दिया हमने। तो जैसे कि आप जानते ही होंगे कि GSTR 1 महीने की 10 तारीख के पहले फाइल किया जाता है और तकरीबन 12 तारीख से आपको आपका इनपुट क्रेडिट दिखना शुरू हो जाता है। तो यहाँ आगे आपको दोबारा इनपुट क्रेडिट दिखे तब तक आपको वेट करना है। जनरली आप महीने की 12 तारीख से यहाँ चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको जीएसटी अमाउंट, इनपुट क्रेडिट और फाइनल जीएसटी अमाउंट जो आपका पे करना बनता है ये सब फिगर्स दिखाई देंगे। और आप चाहे तो नीचे डिस्ट्रीब्यूटर के टैब पर क्लिक करके ये भी देख सकते हैं कि किन डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना जीएसटी फाइल नहीं किया है। तो आगे बस सब कुछ कंफर्मेशन करने के बाद आपको नीचे कंफर्म बटन पर क्लिक करना है और नीचे पे जीएसटी टैक्स अमाउंट पर क्लिक करके GSTR 3B का भुगतान कर देना है। यहाँ याद रखें GSTR 3B का भुगतान आपको महीने की 20 तारीख के पहले कर देना है। पेमेंट के बाद नीचे कॉन्टैक्ट अस बटन दिखेगा आपको, ताकि अगर आप हमारे जीएसटी एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं तो कर सके। और जैसे ही आपका फाइल किया हुआ GSTR 3B अप्रूव हो जाता है, नीचे GST फाइल जो टैब दिख रहा है वो ग्रीन हो जाएगा, जिसमें फिर से 24 से 48 घंटे लग सकते हैं और आपको हमारी टीम द्वारा सूचित भी किया जाता है। तो इसी तरह आप हर महीने अपना GST फाइल कर सकते हैं। तो ये था मेट बिक्री में मंथली GST फाइलिंग प्रोसेस। थैंक यू।